वैसे तो मैं जानती हूँ कि क्रिकेट के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। और डू यू नो के स्पेशल एपिसोड में हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आज इस वीडियो में हम क्रिकेट के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अगर किसी प्लेयर को फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई और वो बिना अंपायर को इन्फॉर्म करे फील्ड से बाहर चला जाता है तो फिर क्या ये अलाउड है? टाइम आउट। अब बताती हूँ आपको इसका जवाब। बेसिकली होता क्या है कि एक फील्डर इंजर्ड होता है और अगर वो अंपायर को बिना इन्फॉर्म किए फील्ड से बाहर जाता है तो इस चीज के लिए टीम को पेनल्टी लग जाती है और उस बेसिस पे सामने वाली टीम को 5 रन मिल जाते हैं। अगला सवाल ये है कि इफ बॉलर बैटर को LBW कर देता है तो वहाँ पे अंपायर बिना बॉलर के अपील किए आउट दे सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगेन टाइम आउट। इस केस में अगर बॉलर LBW करके अपील नहीं करता तो अंपायर बैटर को आउट नहीं दे सकता है। जिन्होंने जवाब दिया है उनके लिए शाबाशी है, लेकिन जिन्होंने इस सवाल का जवाब गलत दिया है उनके लिए मामला 2-0 हो चुका है। कोई ना, अभी भी कम बैक कर सकते हैं आप। इफ अगर विकेट कीपर अपना हेलमेट ग्राउंड पर रख देता है और बॉल कैसे भी हेलमेट से टकरा जाती है तो क्या इस बेसिस पे पूरी टीम को पेनल्टी फेस करनी पड़ती है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3। चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। अगर बॉल ग्राउंड पर रखी है और हेलमेट से टकरा जाए तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं और यहाँ पे फील्डिंग टीम को विकेट कीपर की वजह से नुकसान हो जाता है। अब बारी है आज की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, जो है 5 करोड़ रुपीस के लिए। पर इसमें कंडीशन ये है कि ये पैसे आपको देगा कौन, ये हमें नहीं पता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई भी बैटर अपनी विकेट को बचाने के लिए हाथ से बॉल रोक सकता है क्या? मेरा मतलब है कि क्या बैटर बॉल को हाथ लगा कर रोक सकता है क्या? अगर कोई बैटर हाथ से बॉल रोकता है तो हैंडलिंग द बॉल रूल के बेसिस पे उस बैटर को आउट दे दिया जाता है। तो आज के सारे सवाल यहीं समाप्त होते हैं। फिर जुड़ेंगे आपके साथ डू यू नो के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।